आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नेशनल मेडकोज ऑर्गेनाइजेशन आगरा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को परामर्श के साथ साथ बीमारी को लेकर जागरूक भी किया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि गरीब बेसहारा लोगों के चेकअप के लिए जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सुल्तानगंज पुलिया स्थित अभिलाषा प्रकाश हॉस्पिटल में शिविर लगाकर मरीजों का चेकअप किया गया। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई। डॉक्टर विशंबर सिंह राष्ट्रीय सचिव एवं प्रोफेसर ENT विभाग BHU बनारस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपना एक संगठन है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के बीच में काम करता है, और हमारा काम वनवासी जो क्षेत्र हैं या फिर जो दूरगामी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स करते हैं। हमारे थ्रू आउट 12 महीने कई सारे ऐसे प्रकल्प चलते हैं जिसमें जो उन बच्चों में के बीच में अस्पताल चलाना या फिर वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा सकते हैं वो करते हैं। विवेकानंद जी की जयंती पर जो यहाँ डिबेट आयोजित हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश भर में इस पूरे सप्ताह में करीब 1.5 से 2 हज़ार कैंप्स अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश के विभिन्न भागों में होने वाले हैं। हो सकता है मैं संख्या अभी कम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि देश भर में ऐसे कैंप्स सेवा बस्तियों में गरीब मरीजों के लिए NMO की तरफ से होने जा रहे हैं। जी हाँ, निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप रहेगा, जानकारियाँ दी जाएंगी, कोविड के संबंध में अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चल रहा है अपना, और साथ ही साथ दवाइयां भी दी जाएंगी। नेशनल मेडको ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनारस, लखनऊ समेत कई शहरों से चिकित्सकों की टीम आगरा में आई हुई है। चिकित्सकों ने SN मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों के लिए कैंप आयोजित किया। 11 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम है। उन सब का मतलब यही है, आज के युवाओं को विवेकानंद के बारे में जानकारी देना। उठो, जागो, ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसी को हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। और मेडिकल प्रक्षेप में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लिया है कि दद्री नारायण की सेवा, जिसके दर्द हो दर्दी नारायण की सेवा, दरिद्र की सेवा, नारायण की सेवा, विवेकानंद जयंती पर यही संवाद सबके लिए। हम लोग नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सोल एम है राष्ट्र सेवा से ही स्वास्थ्य सेवा, तो एक इस कैंप के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करनी है करके, तो उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और उनकी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करना, वो हमारा। डॉक्टर से कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रदेश में जगह जगह कैंप लगाकर निःशुल्क जाँच की जाएगी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के बारे में लोगों को जानकारी भी दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी को होता है, उसके उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम रखा है और इसको यूथ डे के रूप में मना रहे हैं हम। जो सब लोग इस समय का यूथ अपने मार्ग से भटक गया है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप टीवी चैनल्स पर कहीं भी देखेंगे तो आज हमारा यूथ टीनेजर्स आज रेप में पकड़े गए, चोरी में पकड़े गए, इसमें पकड़े गए, तो ये अपनी जगह से क्यों भटक रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन यही हैं कि वो अपनी जड़ों से कट गया है। स्वामी विवेकानंद ने जो हमारी जड़ें मजबूत की, भारत में ही नहीं पूरे विदेश में, देश विदेशों में, और भारत का परचम लहराया, ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में इन बच्चों को बताना बहुत आवश्यक है। अपने देश की, अपने घर की, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करना, और यह हमें कौन सिखा रहा है, ये हमें स्वामी विवेकानंद ही सिखा रहे हैं। अभिलाषा प्रकाश हॉस्पिटल में आयोजित चिकित्सा शिविर में स्टूडेंट्स, नर्स के साथ साथ मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही मरीजों की विभिन्न प्रकार की निःशुल्क जांच भी की गई। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।